जाने माने उद्योगपति और अरबपति बिल गेट्स को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई को लेकर भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से निपटने, खासकर व्यापक स्तर पर टीका बनाने में भारत के अनुसंधान एवं निर्माण कार्य अहम भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। इसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने कहा कि आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़ें। चीन से जारी तनाव के बीच आपसी संबंध और मजबूत करने के उद्देश्य से भारत और अमेरिका के भूस्थैतिक सहयोग के लिए बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। BECA पर 26-27 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाली दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की 2+2 बैठक में हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। पंजाब के रोपड़ जिला जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाना था। इसके लिए यूपी पुलिस की 50 सदस्यीय टीम पंजाब गई थी, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। पंजाब के मेडिकल बोर्ड ने मुख्तार का स्वास्थ्य खराब होना बताया है और उन्होंने 3 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहा गया है। नवरात्र, दशहरा, दिवाली और नए साल को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में 26 अक्टूबर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त रवैया अख्तियार करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नाथूराम मिर्धा की जयंती मनाई गई। मुख्य सचेतक महेश जोशी और सचिन पायलट ने नाथूराम मिर्धा की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नाथूराम मिर्धा को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लालसोट से कांग्रेस के विधायक और उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद वे अपने लालसोट स्थित आवास में आइसोलेशन में हैं। सात साल बाद RPSC फुल कमीशन की बैठक हुई। बैठक में अध्यक्ष भूपेंद्र यादव के साथ सभी 700 सदस्य मौजूद रहे। RPSC फुल कमीशन की बैठक में विभाग द्वारा निकाली गई भर्ती के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। मानसून की विदाई के बाद देश के विभिन्न इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजस्थान में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। IPL में आज दिल्ली कैपिटल्स और हार से उबर चुकी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमों ने अपने पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं और अंक तालिका में खुद को मजबूत कर रहे हैं। दिल्ली की टीम जीत के साथ जहां प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी, तो वहीं पंजाब की टीम 2 अंकों के साथ प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए उतरेगी।